सो हे गाइस, देख सकते हैं गूगल क्रोम पर कुछ इस टाइप से हमने सर्च किया है और गाइस सर्च करने पर ये रिजल्ट आ रहा है। अब गाइस यदि आप अपने फैमिली मेंबर के सदस्य हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना फ़ोन अपने यदि बच्चे को देते हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर में सदस्य या अपने फ्रेंड को देते हैं, तो आपके फ़ोन पर यदि आप ये सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं कि कोई भी इस टाइप का कंटेंट ना ओपन कर पाए, इस टाइप की साइट को ना ओपन कर पाए, तो गई जी आप अपने गूगल क्रोम पर सेफ सर्च एक्टिवेट कर सकते हैं। गई जी जब भी कोई इस टाइप का कंटेंट सर्च करेगा आपके फ़ोन पर, तो वहाँ पर सेफ सर्च लिखा हुआ आ जाएगा या उसमें भी अदर साइट ओपन होगी, बट जो चीज़ यहाँ पर वो शो करेगा मतलब सर्च करेगा वो कंटेंट नहीं ओपन होगा। तो गाइस कैसे आप अपने मोबाइल पर सेफ सर्च कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, यहीं से आप सेफ सर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो वीडियो आपको फुल समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगी कि सेफ सर्च कैसे इनेबल करते हैं और कैसे ऑफ करते हैं। तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर अपने क्रोम पर आना होगा, क्रोम के 3 डॉट पर जाना होगा। गाइज वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, यदि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो आप ये मतलब पूरी सेटिंग नहीं जान पाएंगे कैसे सेफ सर्च ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर गूगल क्रोम पर आना है, क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग 3 डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पर आना है। यहाँ पर ध्यान से देखना, सेटिंग पर आना है। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हमने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर जहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिले तो यहाँ पर तुरंत उसमें प्रेस कर देना। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर चले जाना है। अब गाइस जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिलेगा यूज सिक्योर डीएनएस का ऑप्शन। देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से गाइस यूज सिक्योर डीएनएस का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर यूज सिक्योर डीएनएस के ऑप्शन पर जाना है। अब यदि आप चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन पर इस टाइप का कंटेंट ना ओपन हो, आपके फ़ोन पर इस टाइप की चीज़ ना सर्च हो, साइट ना सर्च हो, यदि कोई इस टाइप का कंटेंट सर्च करता है तो उसके फ़ोन पर दूसरा साइट यहाँ पर ओपन हो जाए, दूसरी साइट दूसरे कंटेंट सर्च हो जाए, तो गज इसके लिए यदि सेफ सर्च भी लिखा हुआ आ जाएगा। गज यदि ये चीज़ आप एक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ पर चूज अनदर प्रोवाइडर पर आना है। गज अब आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एरो के निशान पर आना है। अब यहाँ पर आपको क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फिल्टर यहाँ पर आपको कर देना है। देख सकते हैं ध्यान से आपको देखना, कोई भी सेटिंग यदि आपने मिस कर दी है तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। तो यहाँ पर क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फिल्टर कर देना है। अब गाइस यहाँ पर इसे ऑफ ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऑन भी कर सकते हैं या ऑफ, बट इसे आपको ऑन रखना है। यहाँ पर इससे अदर साइड भी आपकी ओपन होंगी, बट यहाँ पर चूज अनदर प्रोवाइडर, यहाँ पर ये सेटिंग आपको बहुत ही मोस्ट है, क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फिल्टर। इस सेटिंग को आपको 100% करना है, नहीं तो आपके जो आप इस सेटिंग कर रहे हैं वो एक्टिवेट नहीं होगी, आपके फ़ोन पर सेफ सर्च इनेबल नहीं होगा और इस टाइप का कंटेंट ओपन होता रहेगा। तो यहाँ से आप सेफ सर्च इनेबल कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, तो सिंपली से आपको बैक कर देना है। देख इतना करने के बाद यहाँ पर सिंपली से बैक आना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फिल्टर यहाँ पर सेट हो चुका है गाइस। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको अपने क्रोम गूगल पर आना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको गूगल पर आना होगा गाइस। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा www.google.com, इस टाइप से गाइज आपको सर्च करना है। अब गाइज इतना सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको साइड यहाँ पर नीचे सेटिंग देखने को मिलेगी। तो गाइज यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शंस पर जाना होगा। गाइज सेटिंग के ऑप्शंस पर जाना होगा, सेटिंग के ऑप्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च सेटिंग पर जाना होगा। गाइज ध्यान से देखना, सर्च सेटिंग पर जाना है। अब सर्च सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा गाइज सेफ सर्च। तो देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग मैंने एक्टिवेट कर चुका है, तो यहाँ पर से यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर शो एक्सपेलिस्ट रिजल्ट दिखेगा, मतलब लिखा हुआ दिखेगा शो एक्सपेलिस्ट रिजल्ट, इस टाइप से आपको कुछ लिखा दिखेगा यहाँ पर। तो आपको हाइड एक्सपेलिस्ट रिजल्ट कर देना, हाइड कर देना है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक्टिवेट करके रखा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर जाते हैं तो देख सकते हैं सेफ सर्च इज लॉक, यहाँ पर लॉक है, यहाँ पर सेफ सर्च मैंने ऑलरेडी लॉक करके
रखा है यहाँ पर, देख सकते हैं ऑफ। तो यहाँ पर आपको सेटिंग एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू इशू यहाँ पर चेंज आ रहा है, क्योंकि बट मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो यहाँ पर सेटिंग मेरी एक्टिवेट हो चुकी है काफ़ी। तो यहाँ पर आपको सो एक्सपेलिस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं फिल्टर एक्सपेलिस्ट रिजल्ट यहाँ पर। तो इस टाइप से आप लॉक ऑन ऑफ कर सकते हैं गाई जी। तो इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस एंड नेटवर्क यूज का ऑप्शंस मिलेगा, तो काफ़ी सारी यहाँ पर सेटिंग भी मिल जाती है। बट आपको यहाँ पर वही सेटिंग करना है सो एक्सपेलिस्ट रिजल्ट यहाँ पर, यदि आपको ऑन करना है। यदि आपको ऑफ करना है तो हाइड एक्सपेलिस्ट रिजल्ट यहाँ पर, कि आपके फ़ोन पर सेफ सर्च लॉक लिखा हुआ आए तो आपको हाइड एक्सपेलिस्ट रिजल्ट कर देना है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो अब इतना करने के बाद सिंपली से आपको बैक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे में ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट है ये सेटिंग। तो सिंपली से मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए और आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्च सेटिंग पर फिर से आपको जाना है। अब जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेफ सर्च, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट जो है एक्टिवेट यहाँ पर है सेटिंग मेरी। अब यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा वीडियो का ऑप्शंस, देख सकते हैं नो डू नॉट ऑटो प्ले, यहाँ पर ऑटो प्ले प्रीवियस वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर सिंपली से डू नॉट ऑटो प्ले कर देना है। अब गाइज यहाँ पर हाइड एक्सपेलिस्ट रिजल्ट करना है, सो एक्सपेलिस्ट रिजल्ट रहेगा तो यहाँ पर आपको हाइड एक्सपेलिस्ट रिजल्ट करना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है गाइज, देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूरी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइज, यहाँ से ही आप सेफ सर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं गाई जी। अब इतना करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको क्रोम पर आना है गाई जी, क्रोम पर आना है या गूगल पर, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर वो रिजल्ट सर्च किया जो रिजल्ट पहले हमने सर्च किया था, तो देखते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो चीज़ नहीं आ रहा है यहाँ पर, दूसरी सेटिंग यहाँ पर दूसरी चीज़ आ रहा है, दूसरे मतलब वर्ड आ रहे हैं जो आप लिखोगे यहाँ पर। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली से यहाँ पर ये पहले रिजल्ट है, अब यहाँ पर हम कुछ नया लिख के दिखाते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट दूसरा आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर आपको अदर कंटेंट देखने को मिलेगी, जो चीज़ आप मतलब सर्च करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस इस तरीके से आप ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइज अब ये हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब गाइज कोई भी यहाँ पर इस टाइप का कंटेंट सर्च करेगा तो वो लिखा हुआ नहीं आएगा, या तो इस टाइप से लिखा हुआ आएगा या तो सेफ सर्च लिखा हुआ आएगा। अब देख सकते हैं कुछ अदर कंटेंट हमने सर्च किए तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। तो गज इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो गज यहाँ से आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। या तो अदर कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे या तो फिर सेफ सर्च लिखा हुआ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ भी आप इस टाइप से सर्च करोगे तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, अब वो कंटेंट नहीं ओपन होगा। तो इस टाइप से आप अपने फ़ोन को सेव कर सकते हैं और सेव सर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं। यदि आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर से आपको थ्री डॉट पर जाना होगा, सेटिंग पर जाना होगा गाइज। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर जाना है, क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फिल्टर पर जाना है, यहाँ पर आपको कस्टोमाइज कर देना है, ध्यान से देखना गाइज, आपको कस्टोमाइज कर देना है। कस्टोमाइज पर जब तक सक्सेस नहीं होगा या ओपन डीएनएस कर देना है तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी गाइज।
और यहाँ पर आकर ये कर देना है गाइस जी, गूगल क्रोम पर आकर आपको, गूगल क्रोम पर आके यहाँ पर आपको जो शो रहेगा यहाँ पर हाइड रहेगा तो आपको शो रिजल्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं www.google.com, तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अब हमने बता दिया आप करने का, अब यहाँ से ऑन करने की ये सेटिंग बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो फिर से आपको सेटिंग पर आना है गाइस, सर्च सेटिंग पर जाना है गाइस। सर्च सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डू नॉट ऑटो प्ले रहेगा, तो यहाँ पर ऑटो प्ले कर देना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। अब आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी गाइस। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन पर सेफ सर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।